हेलो दोस्तों, फिर आपका भाई संतोष एक प्रोजेक्ट वही पुनः लेकर आया है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये हम आपको फाइनली हाईवे से दिखा रहा हूँ। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये इधर आपका बेटा जाएगा और इस साइड में आपका दानापुर स्टेशन। यहाँ से दानापुर स्टेशन 7.5 किलोमीटर के अप्रोक्स होगा और ये हमारा एंट्री हुआ मेन हाईवे से। चलिए आगे दिखाते हैं। और ये हमारा एंट्री हो गया, 25 फीट का एंट्री हुआ। यहाँ पे रोड चौड़ीकरण होगा तो फाइनल बाउंड्री अभी नहीं बना है, फाइनल गेट, वो गेट भी बनेगा हमारा। यहाँ पे देखिए, आगे में देख पा रहे होंगे, ड्रेनेज का काम स्टार्ट हो गया साइड से। ये देखिए वाटर पाइपलाइन का, सारे प्लॉट पे वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन दे दिया गया है। और इधर फाइनली आप देख रहे होंगे, लोग अपना आगे की प्रोसेस भी बढ़ा चुके हैं घर बनाने के लिए। उस साइड में आप देख पा रहे होंगे आशीर्वाद का अपार्टमेंट भी लगभग फाइनल मोड पे है। और ये जो देख रहे हैं, ये ड्रेनेज का काम हुआ हमारा। अप्रोक्स 2 महीने में हम कंप्लीट फेज 1 का काम करके दे देंगे। जो लोग 2020 में लिए हैं वो आज उनका रेट डबल हो चुका है। और जब ये सोसाइटी फाइनल करके देंगे तो शायद दानापुर से बेटा तक ऐसा कोई भी टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हमारे पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इस प्रोजेक्ट का 3-4 वीडियो मैं डाल रखा हूँ। काम धीरे धीरे इसमें तेज़ी से हो रहा है और हमने जो कमिटमेंट किया था सारे लोगों को पोजीशन हमने दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये फेज 1 का ड्रेनेज का वर्क है, पाइपलाइन का काम, गार्डनिंग का काम, सब साथ में चल रहा है। इसी तरह से आगे हमारा फेज 2 और फेज 3 है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हम अगले साल हैंडओवर करेंगे और इसी तरह काम उसमें भी होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लिमिटेड प्लॉट है हमारे पास, आप ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो नंबर हमारा है आप उस पर बेशक कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस विज़िट कीजिए, साइट विज़िट कीजिए। कि यहाँ पे आपका ये टी पॉइंट बन रहा है, यहाँ से फिर हम राइट टर्न लेंगे और ये रास्ता सीधा आपका फेज 2 की ओर जाएगा। आगे में देखिए, सारे साइड में ड्रेनेज का वर्क हो चुका है, बस 3-3.5 फीट मिट्टी का फिलिंग करना है। उसके बाद हम उसके ऊपर फिर रोड का पिचिंग होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका। इधर देख पा रहे होंगे सारे लोगों को पोजीशन, आगे भी वो बाउंड्री देख रहे हैं, पीछे तक हम लोगों ने ये पूरा फेज 1 का हम दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ फेज 1 का ये काम दिखा रहे हैं। इसी तरह फेज 2 और फेज 3 का भी काम होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए, तो बेशक आप कांटेक्ट करें। और इस हाईवे पे हमसे बेहतर कोई टाउनशिप नहीं है और हमारे इतने बेहतर रेट पे कोई दे भी नहीं सकता है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। नियर अबाउट में अगर हम बता दें तो आपको ये आशीर्वाद का अपार्टमेंट दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे 150-200 मीटर इसके पीछे में संत कारण स्कूल हो गया। इसके आशीर्वाद के जस्ट अपोजिट में ईस्टर्न वेस्ट हाई स्कूल हो जाएगा। आप वो हाईवे पे देख पा रहे होंगे आगे में वाइट कलर का, वो आपका वास्तु विहार हो गया, जो एक अच्छी डुप्लेक्स सोसाइटी बनाई हुई है। और यहाँ से 1 किलोमीटर अगर आगे आप जाते हैं तो आपका ये कोल इंस्टीट्यूट, सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल, ये सारा स्कूल हमारे नियर अबाउट में है। दानापुर स्टेशन आपको मैंने बताया 7-7.5 किलोमीटर अप्रोक्स होगा। बेटा स्टेशन भी लगभग वही पड़ेगा यहाँ से। तो नियर अबाउट में अच्छा यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, मेन हाईवे से हम लोग हैं। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप बिल्कुल कॉल करें, हम अवेलेबल कराएंगे अच्छे प्लॉट। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें किस लोकेशन में आपको प्लॉट चाहिए, मैं उस लोकेशन में भी आपको प्लॉट अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।